बच्चों ने की वायरल फोटो तो पापा पर हो गई कार्यवाही। बच्चों ने फोटो वायरल कर सोचा था मिलेगी वाहवाही। नोटों को देखा आप भी भूल जाएंगे गिनती। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मुसीबत से बचना तो अपने बच्चों से कहना इस तरह का षड्यंत्र कभी मत रचना। सोशल मीडिया पर कुछ बच्चों ने नोटों के साथ अपनी फोटो वायरल की तो थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया। यहीं से प्रश्न खड़े होने लगे कि आखिर भारत में नोट के साथ फोटो खींचना अपराध कब से हो गया, और आखिरकार जब बच्चों ने नोटों के साथ फोटो डाली तो आखिरकार थाना अध्यक्ष को लाइन क्यों भेज दिया गया। तो इसके लिए आपको पूरे मामले से समझना होगा, और उससे भी ज्यादा ये जानना जरूरी है कि इन नोटों से थाना अध्यक्ष का कनेक्शन क्या है। दरअसल इस समय यूपी का उन्नाव जिला हर बार की तरह इस बार फिर से सुर्खियों में आए। इसकी वजह वायरल होती एक तस्वीर है जिसमें 500 के नोटों की गड्डियां बिस्तर पर बिछी नजर आ रही है, और इन नोटों के पास ही में दो बच्चे बैठे हुए हैं जो इन नोटों की गड्डियां संग फोटो खिंचवा रहे हैं। गजब की बात तो ये है कि इस फोटो में उन बच्चों की माँ भी है। जानकारी की गई तो पता चला ये बच्चे बेहटा मुजावर के थाना अध्यक्ष रमेश चंद्र साहनी के हैं। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होते ही दरोगा जी को लाइन हाजिर कर दिया गया। मामले की जांच की जिम्मेदारी सीओ बंगरमऊ पंकज सिंह को सौंपी गई है। प्रकरण में दरोगा की तरफ से भी सफाई आई है, जिसमें थाना अध्यक्ष रमेश चंद्र साहनी ने कहा कि ये रुपए किसी रिश्वत के नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना घर बनवाने के लिए उधार लिए थे। बच्चों ने रुपए बिछाकर फोटो खींच ली, जिसकी जानकारी उन्होंने उनको बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वायरल हो रही तस्वीर नवंबर 2021 की है, जिन्हें किसी ने अब वायरल कर दिया है। वहीं उन्नाव के एसएसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने भी कहा कि मामला संज्ञान में आते ही थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जांच के बाद पता चलेगा कि रुपया कहां से आया था। जिन पर रिश्वत के रुपए रखने का आरोप लगा है वो उन्नाव जिले के बेहटा मुजावर थाने में तैनात थाना प्रभारी रमेश चंद्र साहनी करीब 2 साल से इसी थाने में अपना पैर जमाए हुए हैं। तो वहीं रमेश चंद्र के कार्यकाल में कई बार उनके ऊपर सवालिया निशान भी उठ चुके हैं। ये थाना अध्यक्ष 2 साल पहले हरदोई में ट्रांसफर होकर उन्नाव आए थे। 500 के नोटों की गड्डियों के साथ बच्चों की तस्वीर को लोग खूब वायरल कर रहे हैं और चटकारे लेकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया यूजर्स ममता शर्मा ने भी मामले में ट्वीट करते हुए लिखा, बच्चे तो बड़े खतरनाक हैं भाई, एसआई साहब सोचे नहीं होंगे कि जांच बैठ जाएगी। उन्नाव का मामला है, बच्चों ने पोल खोल दी। वायरल तस्वीर में करीब 500 के नोटों की 27 गड्डियां हैं। बताया जा रहा है कि ये रकम करीब 14 लाख रुपए हैं। तो कोई इस फोटो को देखकर लिख रहा है थानेदार साहब को बच्चे ले डूबे, तो कोई कह रहा है कि दरोगा जी निपट गए। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कमेंट करते हुए लिखा, थाने का चार्ज भी चला गया, कोई बात नहीं, कमा भी इन्हीं बच्चों के लिए रहे थे। राहुल चौधरी लिखते हैं, बच्चे मन के सच्चे। तो वहीं विवेक कुमार लिखते हैं, बच्चे तो मासूम हैं। अरविंद त्रिपाठी लिखते हैं, निपट गए। सोशल मीडिया यूजर अनुज शर्मा लिखते हैं, अब सब बहुत सतर्क हो जाएंगे, अपनी 2 नंबर की कमाई बहुत सेफ जगह रखी जाएगी। इसी तरह के तमाम कमेंट से सोशल मीडिया सराबोर है। कोई इससे गंभीर मामला बता रहा है तो कोई इसे मजाकिया अंदाज में ट्रोल कर रहा है। वैसे इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।